चैनल व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक एक्चुअली एक वीपीएन के बारे में है कि अगर आप विंडोज़ 10 के यूज़र हैं तो आप उसमें किस तरह से एक फ्री वीपीएन बना सकते हैं, जो कि विंडोज़ 10 का एक बिल्ट इन फीचर है। इसके लिए आपको कोई भी अलहदा से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, कोई भी एक्सटेंशन या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगी। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट आपको वन क्लिक के साथ आपकी वीपीएन जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हमने फ्री वीपीएन जो है उसको कॉन्फ़िगर करना है विंडोज़ 10 में। तो उससे पहले एक हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, VPN की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। VPN की बहुत सी सर्विसेज हैं जो कि फ्री होती हैं मोस्टली, जो हैं उनमें कुछ पैकेजेस जो आपको मिलते हैं वो फ्री में, उनमें VPN के बेसिक फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी VPN चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं जो VPN यूज़ कर रहा हूँ VPN बुक है। आपने vpnbook.com/freevpn को विज़िट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखी गई हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसको आप समझ लें कि आपका VPN का सर्वर एड्रेस है और इसके साथ ही यूज़र नेम है और इसके साथ ही ये नीचे इसका पासवर्ड आपके सामने है। तो ये तमाम चीज़ें हम अपनी वीडियो के अंदर जो है उनको यूज़ करेंगे और इस तरह से हम अपनी विंडोज़ 10 में VPN को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं कि विंडोज़ का कौन सा फीचर है जिसे हमने VPN को इनेबल करना है। अभी मैंने अपना नेटवर्क जो है वो वाईफाई या लैन नेटवर्क जो उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग जो है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड जो बार है उसमें आप देख सकते हैं कि VPN की एक ऑप्शन है, VPN की ऑप्शन को क्लिक करें और यहाँ ऐड अ VPN का कनेक्शन है। ऐड अ VPN कनेक्शन को आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि VPN प्रोवाइडर, यहाँ पर आप विंडोज़ बिल्ट इन को सिलेक्ट कर लें, कनेक्शन नेम कोई भी कनेक्शन नेम रखें जैसा कि VPN, सर्वर नेम और एड्रेस। जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि यहाँ पर कुछ सर्वर के एड्रेसेज हैं, आप उनमें से कोई एक एड्रेस को कॉपी करें और उसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। इसके बाद ऑटोमेटिक VPN और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप ऑटोमेटिक चूज़ करें। टाइप ऑफ साइन इनफो, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो हम उसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड, वन टाइम पासवर्ड, सर्टिफिकेट्स, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड की जो ऑप्शन है उसको रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम जो है उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप अगर इसी तरह से सेव कर देंगे तो आपकी VPN यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, इस VPN को अब हम यूज़ करना चाहें तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके सामने एक ऑप्शन ओपन हुई, कनेक्टिंग टू VPN। ये यहाँ पर यूज़र नेम मांग रहा है और उसके साथ ही पासवर्ड। हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने वेबसाइट पर देखा था उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करके ओके को क्लिक करते हैं तो आपका VPN कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता चलूँ कि अभी आपकी VPN जो है वो कन्फिगर्ड है, अब यहाँ से इसको आप क्रॉस कर दें। जब भी आपने VPN को कनेक्ट करना है, आप अपने नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम जो आपका नेटवर्क है, जो आपने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर एक ऑप्शन आ रही है VPN की, आप इसको क्लिक करें, यहाँ पर कनेक्ट करें और फिर यहाँ पर भी आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। जी हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं यूज़र नेम, इसके साथ ही हम पासवर्ड ऐड करते हैं। उसके साथ ही पासवर्ड है हमारा 5E38T23। इसके बाद हम कनेक्ट करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन जो है क्रेडेंशियल्स उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। कनेक्टिंग टू vsvpnbook.com, ये आपका VPN सर्वर जो 1 है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ही देर में आपकी VPN जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। कंप्लीटिंग द कनेक्शन और कनेक्टेड, अभी आपका VPN जो है वो कनेक्टेड है और आपका इंटरनेट भी अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है आपके पास अगर आपने VPN यूज़ करनी है।
VPN क्यों यूज़ करते हैं, इसके आपके लिए जो फीचर्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि VPN यूज़ करने के बाद आपकी जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस है वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपकी एरिया में, आपकी कंट्री में कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक हैं तो वो आपके लिए ब्लॉक नहीं रहेंगी, आप उनको विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो वेब स्ट्रीमिंग की जो या वीडियो स्ट्रीमिंग की वेबसाइट्स हैं आप उनको विजिट कर सकते हैं। अगर आपके कंट्री में अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो ब्लॉक है तो वो, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि वो आपको अनब्लॉक होगी। इसके अलावा आप किसी भी अगर पब्लिक प्लेस पर इंटरनेट यूज़ करते हैं और किसी वाईफाई से कनेक्ट हैं, अगर आप लेट्स सपोज कि आप किसी वर्क स्टेशन में, वर्क एरिया में हैं, किसी ऑफिस में या प्लेटफॉर्म पर या किसी भी आप इंटरनेट कैफ़े में हैं, तो आप VPN को ऑन कर सकते हैं, तो इससे आपकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्प्ले नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप अपनी लोकेशन जो है या अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना चाहते हैं, एनोनिमिटी आप हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप टोरेंट यूज़ करते हैं, टोरेंट से आप मूवीज़ या सॉफ्टवेयर या कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं, तो अगर जैसा कि आपको पता है कि टोरेंट बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट एक लिंक होता है जिसके थ्रू आप ट्रैफिक शेयर करते हैं या अपने पास आप डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो उसके यूज़ के दौरान आप जो है VPN को इनेबल कर सकते हैं ताकि आपकी आइडेंटिटी जो है उसको हाइड किया जा सके। तो ये तमाम फीचर हैं जो आप VPN के थ्रू हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप बगैर किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के VPN को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।